हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त हम मस्तुंग के मशहूर चौक जो मेन हाईवे पे है, क्वेटा कराची हाईवे पे मेजर चौक है। यहाँ से शिरीनाव का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर है। अब हम शिरीनाव की तरफ जाएंगे जो एक पुरफजा मकान है मस्तुंग का, तो चलिए हम शिरीनाव की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम मस्तुंग के करीब कारेज नोत के मकाम पर खड़े हैं, और ये मस्तुंग के बिल्कुल करीब एक इलाका है जो कारेज की वजह से ये इलाका आबाद हुआ है, और इस कारेज को कारेज नोत कहते हैं और इसी की वजह से आबादी है। इससे ये इसके बाद फिर जो रास्ता है उल्टी तरफ ये शिरीनाव की तरफ निकल रहा है, और दाईं तरफ ये गाँव है और ये पूरी इसकी आबादी है। तो चलिए हम ज़रा जाते हैं आगे शिरीनाव की तरफ। ये शिरीनाव के उल्टियात पे आप जो देख रहे हैं रोड के, उस पर ये लेवीज नाका है। लेवीज नाका से आप जरेद रहते हैं, यहाँ ये ट्यूबवेल है, इसके साथ ही ये रास्ता जो है नीचे जोवा के कलां की जानब रास्ता ये जा रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल है कच्चा रास्ता, लेकिन इनके मुनासिब रास्ता है, कोई इसमें मसला नहीं। हम ये शिरीनाव जो लेवीज थाना है उसके साथ ये रास्ता हार है जोवा के कलां की तरफ। तो जब आप इस तरफ आते हैं कच्चे रास्ते पे उल्टियात पे शिरीनाव या शिरीनाव का ये कदीम दम्ब है, ये दम्ब के साथ ये जो कच्चा रास्ता है ये जोवा के कलां की जानिब ये रास्ता जा रहा है।
अल आयात व अल अलमा, ये अल्लाह ताला का फरमान है उसकी मुकद्दस किताब के अंदर। तो यहाँ जब हम आके देखते हैं कि इन चटियल पहाड़ों के अंदर और इसके सीने से ये एक पानी निकल रहा है, तो एक अजीब सा एक खुशकुन एक नज़ारा होता है, और उसको देखकर अल्लाह ताला की नेमतों का जो है ना दिल चाहता है कि उसका शुक्र हम बजा लाएँ। और शुक्र यही है कि हम इन नेमतों को जो है ना इससे लुत्फ़ानंदोज़ हों, इन्हें इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरत के लिए पैदा किया है, और इनका जो है ना शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला का। और यहाँ पे गंदगी से परहेज़ करें और दीगर इस तरह के कि ये खूबसूरती ख़राब ना हो और ये पानी ख़राब ना हो। और इस पानी के अंदर आप देखिए छोटे छोटे नन्हे जो है ना ये मखलूकात हैं, मछली और मेंढक और तरह की चीज़ें हैं, तो इनकी भी ज़िंदगी जो है ना इस बात पर है कि हम इस पानी के अंदर इस तरह की हरकतें ना करें कि उनकी मौत वाक़ हो जाए और ये ख़राब ना हो। तो ये खूबसूरत पानी आप देख रहे हैं कि ऊपर से आ रहे हैं, और ये अल्लाह ताला की एक अजीब एक कारीगरी है कि ऊंचाई के ऊपर और चटियल पहाड़ और चट्टानों से और इस तरह का पानी जो है ना वो जारी है। ये पानी के साथ ये मेरे साथ बिल्कुल जंगली अंजीर है। यहाँ मुख्तलिफ मकामात पे ये बलूचिस्तान में पाया जाता है जंगली अंजीर, और इस मकाम पे आके जुआ के कलां का ये जो पहला सबसे बड़ा ये झरना है यहाँ पे, यहाँ बैठ के इस साए के अंदर जब आदमी धूप में चल के आता है पसीना पसीना होकर यहाँ बैठ के फिर आदमी इस साए में बैठे, ठंडा पानी है और हवा है, और उसके बाद फिर जब आदमी दुशहरी आम मैं एक खा चुका हूँ, दूसरा दुशहरी आम मैंने अभी खाना है। दुशहरी आम का जो मज़ा है वो तो जब आप आएंगे यहाँ पे और यहाँ बैठेंगे साए के अंदर इस पानी से आप पानी पिएंगे और संजीव के दरख्त और इस चट्टान के साए में आप बैठ के जब आम खाएंगे वो जो आपको लुत्फ़ आएगा वो फिर आपको पता चलेगा, इस लुत्फ़ को मैं बयान नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ आएँगे और इस जगह और अपने साथ फ्रूट लाएंगे, यहाँ बैठेंगे पानी पिएंगे, इस साए में बैठेंगे इस अंजीर के जंगली अंजीर के और यहाँ फ्रूट खाएंगे, तो उसका अपना ही कुछ लुत्फ होगा। ये जुआ के कलां का जो ज़िक्र हमने किया तो इसका ये मेरे पीछे बिल्कुल साथ ये इसका सर चश्मा है जहाँ हमने अपनी जीप
पार की है, वहाँ से तकरीबन ये हम आए हैं 22-23 मिनट बिल्कुल अंदर तंग तंग रास्ते से, और ये पानी बहता हुआ और दो तीन जगहों पे तो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे झरने हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और इसका सर चश्मा ये है। तो इसमें ज़रा आदमी हिम्मत करे तो इसमें आना मुश्किल नहीं है, कोई 22-23 मिनट आदमी को लगते हैं। गर्मी का मौसम हो तो कुछ पसीने इंसान के आ जाते हैं, मौसम सही हो तो कोई इतना मसला नहीं होता। इसमें बहरहाल छोटे बच्चे भी आ सकते हैं। तो ये 22-23 मिनट है पिकनिक पॉइंट, ये जहाँ पे गाड़ियाँ पार की जाती हैं मोटरसाइकिल, तो वहाँ से ये कोई 22-23 मिनट पे इस अपने जोआ के कलां का ये सरचश्मा है, सरचश्मा ये वाक़ है यहाँ पे। जोआ के कलां से जो शीरनाब का इलाका है, यहाँ से अब हमारी वापसी है, यहाँ से हम मसूंग और फिर हम क्वेटा जाएंगे। तो चलिए वापसी के सफ़र पे।